ये अध्यादेश दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को बीजेपी ने एक तरह से तमाचा मारा है। ये तो आपातकाल की स्थिति है, जब न्यायालय का फैसला आप पलट दे रहे हैं। ये तो आपातकाल की स्थिति है कि जो आप चाह रहे कर रहे हैं। ऐसी तानाशाही, ऐसी बददिमागी, उनका एक ही मकसद है, कुछ भी हो जाए इस सरकार को चलने नहीं देना। आज से एक हफ्ता पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक खबर आई थी जिसकी केजरीवाल सरकार ने खूब तारीफ की थी। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जिसके जरिए केवल 3 मसले, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन को छोड़कर, इन 3 मसलों को छोड़कर उपराज्यपाल बाकी सभी मामलों में दिल्ली सरकार की सलाह और सहयोग से काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त दिल्ली की चुनी हुई सरकार यानी कि केजरीवाल को बताया था दिल्ली का असली बिग बॉस। लेकिन केवल 7 दिन के अंदर देखिए केजरीवाल और केंद्र सरकार एक बार फिर कहां पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट के आगे, क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि अचानक केंद्र सरकार कुछ ऐसा कर देगी। दोस्तों कल यानी कि 19 मई को केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर साफ कर दिया कि दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का आखिरी फैसला उपराज्यपाल का ही होगा। ये सारे के सारे कोर्ट के बंद होने का इंतजार कर रहे थे कि कब कोर्ट बंद होगा, कब कोर्ट की छुट्टियां होगी और कब हम अध्यादेश लाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की मैजेस्टी को चैलेंज किया जा रहा है, उनकी पावर को चैलेंज किया जा रहा है कि तुम जो मर्जी ऑर्डर कर दो, हम तुम्हारे सारे ऑर्डर खत्म कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट की इंसल्ट की जा रही है। दिस इज अ डायरेक्ट कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यानी कि ट्रांसफर पोस्टिंग का जो फैसला एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के हाथों में सौंपा था और केजरीवाल सरकार एक्शन में भी आ गई थी, ट्रांसफर पोस्टिंग शुरू भी कर दी थी उसने, फिर से वो अधिकार अध्यादेश लाकर केंद्र की मोदी सरकार ने उपराज्यपाल के हाथों में रख दिए। यानी कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री को वहीं लाकर खड़ा कर दिया गया जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले मुख्यमंत्री दिल्ली का खड़ा था। यही नहीं दोस्तों, अब केंद्र सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई है और 5 जजों की बेंच के फैसले पर फिर से विचार करने की अर्जी भी लगाई है। अब केंद्र सरकार के इस अध्यादेश के खिलाफ मोदी सरकार को बददिमागी और तानाशाही कह रही है केजरीवाल सरकार। संजय सिंह हो या फिर आतिशी, लगातार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बात कही जा रही है कि आखिर एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ क्यों खड़ी हो गई है मोदी सरकार। ये सवाल है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान का, कि वो संविधान बचेगा या नहीं बचेगा। ये सवाल है देश की सर्वोच्च न्यायालय का, कि उस न्यायालय की प्रतिष्ठा, उसके अधिकार और उसके आदेश बचेंगे या नहीं बचेंगे।